नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं न्यूरोकाइन जी टैबलेट के बारे में। दोस्तों, न्यूरोकाइन जी टैबलेट को डॉक्टर के द्वारा कौन कौन सी बीमारी में दिया जाता है, इसके इस्तेमाल करने का क्या सही तरीका है, कौन कौन से इंग्रेडिएंट न्यूरोकाइन जी टैबलेट के अंदर इस्तेमाल किए गए हैं, इसके इस्तेमाल करने से कौन कौन से साइड इफ़ेक्ट देखने को मिल सकते हैं, और कितनी मात्रा में न्यूरोकाइन जी टैबलेट को इस्तेमाल करने की सलाह दी जाती है डॉक्टर के द्वारा। दोस्तों, न्यूरोकाइन जी टैबलेट की बात करें तो इसको मैनकाइंड फार्मास्यूटिकल कंपनी द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है। दोस्तों, प्राइस की बात करें तो ₹142 की इस पर MRP होती है। 10 टैबलेट का पूरा एक स्ट्रिप आता है। दोस्तों, इंग्रेडिएंट की बात करें तो इसके अंदर दो तरह के इंग्रेडिएंट इस्तेमाल किए गए हैं, गाबा पैंटीन 300 mg और मिथाइल कोबालामिन 500 mcg। ये दोनों इंग्रेडिएंट इस टैबलेट के अंदर इस्तेमाल किए गए हैं। दोस्तों, इस टैबलेट को मैनली जो इस्तेमाल करने की सलाह दी जाती है डॉक्टर के द्वारा, यदि दोस्तों आपके पैरों में लंबे समय से दर्द की समस्या है तो ऐसी कंडीशन में दिया जाता है। दोस्तों, उसके साथ साथ यदि आपके नसों में दर्द रहता है, आपके नसों में काफ़ी ज़्यादा लंबे समय से आप नसों के दर्द से परेशान हैं तो ऐसी कंडीशन में डॉक्टर के द्वारा दिया जाता है। उसके साथ साथ दोस्तों, यदि आपके हाथ पैरों में झुंझुनी जैसी कोई समस्या रहती है तो उसको दूर करने के लिए भी इस टैबलेट को डॉक्टर के द्वारा दिया जाता है। उसके साथ साथ दोस्तों, यदि आपके दिमाग में दर्द रहने की समस्या रहती है, यदि आपके दिमाग में दर्द रहता है तो उसको दूर करने के लिए भी डॉक्टर के द्वारा इस टैबलेट को दिया जाता है। दोस्तों, न्यूरोकाइन जी टैबलेट इन सभी कंडीशन में डॉक्टर के द्वारा दिया जाता है। दोस्तों, इस टैबलेट की डोजेस की बात करें तो इस टैबलेट को डॉक्टर के द्वारा एक सुबह और एक शाम इस्तेमाल करने की सलाह दी जाती है। दोस्तों, पेशेंट की कंडीशन पर डिपेंड करता है, डॉक्टर इसको कम या बढ़ती भी दे सकता है। दोस्तों, इसके साइड इफ़ेक्ट की बात करें तो इसके इस्तेमाल करने से मतली, उल्टी, पेट दर्द हो सकता है। दोस्तों, दवाई से जुड़ी छोटी मगर महत्वपूर्ण जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।